अस्सलाम वालेकुम, टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं टेक्नो स्पार्क 5 प्रो को। ये 20,000 रुपये की प्राइस के साथ पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया है। ये 4 GB रैम और 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है। दोस्तों, ये जो 20,000 रुपये की रेंज है, ये बहुत आइडियल रेंज है पाकिस्तानी मार्केट में, क्योंकि पाकिस्तान में 20,000 रुपये की रेंज तक के मोबाइल फ़ोन खरीदने वाले जो सार्फिन हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और इस प्राइस रेंज में जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो अब तक हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, एक है हमारे पास टेक्नो और एक है इन्फिनिक्स। ये दोनों कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है 20,000 की रेंज में, हमें बहुत आइडियल जो डिवाइसेस हैं, बहुत आइडियल ऑप्शंस और फीचर्स के साथ मुहैया कर रही हैं। तो ऐसे ही फोन ये स्पार्क फैमिली का टेक्नो की तरफ से टेक्नो स्पार्क 5 प्रो ये आज हम अनबॉक्स करेंगे। और यहां पे भी हमें 4 GB और 64 GB वाला बिल्ट इन स्टोरेज 20,000 रुपए की प्राइस टैग में टेक्नो जो है वो हमें ऑफर करे। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का फोन है और इस पर क्या क्या फीचर हमें दिए जा रहे हैं। जी दोस्तों, ये हमारे पास बॉक्स है टेक्नो स्पार्क 5 प्रो का। और बॉक्स की अगर हम बात करें, बड़े कोई नीला पीला सा कलर यहां पे हमें दिया हुआ है। कुछ स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे इस तरफ हमें बताई गई है। टेक्नो स्पार्क 5 प्रो की ब्रांडिंग है 6.6 इंच डॉट इन डिस्प्ले, 16 MP आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वाड कैमरा, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, ऑक्टाकोर प्रोसेसर, एंड्रॉयड क्यू हमें यहाँ पे मिलता है, 12+1 यहाँ पे यानी 13 मंथ्स की वारंटी भी हमें मिलती है। यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिकेशन है, बताया गया है कि जी टेक्नो स्पार्क 5 प्रो ये फोन है हमारे पास, एंड्रॉयड क्यू हमें मिलता है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर यहाँ पे हमें बताया गया कि दिया। वैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो चिपसेट दिया गया है वो मीडियाटेक का हीलियो A22 चिपसेट है। और इस प्राइस रेंज में कोई खास चिपसेट तो आपको वैसे भी नहीं मिलना, तो चिपसेट के ऊपर ज्यादा बात करना मैं समझता हूं बनता नहीं है। डिस्प्ले 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले हमें मिलता है 720 रेजोल्यूशन के साथ, 720x1600 की, 8 MP का फ्रंट कैमरा हमें मिलता है F2.0 एपर्चर का, और बैक में हमें 16 MP तक का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है 1.8 एपर्चर का। तो जायरोस्कोपिक सेंसर, एंबिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पे आपको मिल जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया 5000 mAh की बैटरी आपको मिलती है। तो इसको हम कर लेते हैं अनबॉक्स। बॉक्स को दोस्तों अनबॉक्स करते ही हमें ये फ़ोन नज़र आ जाता है, और ये इस तरह के रैपर में रैप किया हुआ है। वही स्पेसिफिकेशन यहाँ पे भी है, 4 GB 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला ये वेरिएंट है, 4 GB रैम और 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज। तो इसको मैं बाहर निकालूं, ये हमारा दोस्तों फ़ोन है जो कि इस तरह के कुछ कलर्स के साथ हमें टेक्नो ने दिया है। काफ़ी हद तक डिज़ाइन, स्पेशली कैमरा प्लेसमेंट जो है वो सैमसंग की कैमरा प्लेसमेंट से मिलती है। आजकल तकरीबन इस तरह के डिज़ाइन हमें मिल रहे हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो यहाँ पे फिजिकल दिया गया है, और बैक जो है इसका ये सिंगल फ्रेम में है, प्लास्टिक का ये है डेफिनेटली। इसको मैं ज़रा पावर ऑन कर लूँ, और जब तक ये पावर ऑन होगा टेक्नो, ठीक है, इसको एक तरफ रखते हैं और हम आते हैं अपने दीगर कंटेंट की तरफ। ये यूज़र मैनुअल्स हमें मिल जाते हैं, इसके बाद हमें ये कुछ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, 12+1 मंथ वारंटी हमें मिल जाती है। ये बैक कवर मिलता है सॉफ्ट मटेरियल का, सिलिकन का बैक कवर हमें मिलता है। टेक्नो की ब्रांडिंग भी हमें यहाँ पे दी गई है, तो ये अच्छा है, प्रोटेक्टिव केस है। इसके अलावा हमें मिलता है ये चार्जर, चार्जर की रेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये हमें मिलता है 5V 2A का चार्जर टेक्नो स्पार्क 5 प्रो के साथ। उसके बाद हमें मिलती है ये माइक्रो USB की केबल, डेफिनेटली फ़ोन को चार्ज करने के लिए और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। और इसके साथ हमें एक हैंड फ्री भी मिलती है, बेसिक हैंड फ्री है, लेकिन एटलीस्ट यार 20,000 की रेंज में आपको हैंड फ्री भी मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये सिम इजेक्टिंग टूल यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो आपको मिल जाता है। तो ये बॉक्स कॉन्टेंट है, और इन तमाम चीज़ों को हम एक तरफ रखते हैं और दोस्तों हम आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। फ़ोन हमारा पावर ऑन भी हो गया है, और ये सेटअप भी मैंने कर लिया है। मैं आपको इनिशियली बताऊं, जो स्क्रीन के रिज़ल्ट है वो अपनी स्पेसिफिकेशन के ब्याह पे अगर हम देखें तो ठीक है। मुझे कोई शिकायत नहीं लग रही इसमें से। वैसे मैं आपको डिटेल बताऊं, यहाँ पे 6.6 इंच का एक IPS LCD पैनल हमें मिलता है, और ये 720x1600 पिक्सल और 266 PPI डेंसिटी के साथ हमें ये स्क्रीन मिलती है। यहाँ पे बताया गया है कि कोरिंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी दी गई है, लेकिन कौन सी है ये कंपनी की तरफ से अभी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। जैसी कोई डिटेल आएंगी तो मैं कहीं ना कहीं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये होल पंच कैमरा जो है ये साइड पर माउंटेड है स्क्रीन में, ये 8 MP का 2.0 एपर्चर का कैमरा है, जिसे आप 1080p 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसी तरह बात करते हैं बैक कैमराज की, तो बैक में हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलते हैं दोस्तों, जिसमें से एक 16 MP का F1.8 एपर्चर का है, दूसरा 2 MP का मैक्रो सेंसर है, तीसरा 2 MP का डेप्थ सेंसर है, और चौथा जो है वो एक QVGA कैमरा है। अब ये क्यों होता है ये मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है ये 4 नंबर पूरे करने के लिए यहाँ पे एक लगा दिया है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपको 4 कैमरे मिल रहे हैं इस प्राइस रेंज में।
बैक पैनल जैसे मैंने आपको बताया प्लास्टिक का हमें मिलता है, प्लास्टिक मटेरियल है। और हम अब जाएंगे सेटिंग में। दोस्तों सेटिंग में मैं आ गया हूँ और माई फ़ोन में जाके हम देखेंगे वही स्पेसिफिकेशन तकरीबन जो मैंने आपको बताई, 4 GB रैम, 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज। और कैमरास के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ऑक्टा कोर 1.8 GHz का आपको CPU मिलता है, 5000 mAh की बैटरी वगैरह मिल जाती है, एंड्रॉइड 10 के साथ ये फ़ोन हमें मिलता है। दोस्तों ये कुछ स्पेसिफिकेशन जो यहाँ पे हमें बताई गई है वो मैंने आपसे शेयर की है। अब हम वापस जाएंगे और हम जाते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की तरफ और देखते हैं कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर जो है ये किस तरह काम करता है और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह की है। चलिए जी, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है फिंगरप्रिंट सेंसर की। ज़बरदस्त, अरे वाह, तो हो भी गई भाई, बेहतरीन। फेस अनलॉक भी देखते हैं, इसमें फेस अनलॉक भी आपको मिल रहा है। मतलब अगर आप मुझसे पूछें ना, तो इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक बेसिक फ़ोन चाहिए तो यार यहाँ पे आपकी तकरीबन तमाम रिक्वायरमेंट ये फ़ोन कंप्लीट कर रहा है। एक बड़ी बैटरी आपको मिल रही है और बड़ी बैटरी के साथ जो है स्किप द लॉक स्क्रीन, ठीक है, बाकी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। चलें जी अब टेस्ट करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर को। फिंगर प्लेस की और ये अनलॉक हो गया। ये फिंगर आपने प्लेस की, ये अनलॉक, ये मैंने फिंगर प्लेस की, ये अनलॉक, ये फिंगर प्लेस की और ये अनलॉक, ठीक है। अब फेस को भी चेक कर लेते हैं जी, बेहतरीन। ये पावर बटन दबाया, ये अनलॉक हो गया। तो फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों ही यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, नीचे जो ये चिन है ये थोड़ी ज़्यादा है, बाकी साइड के बेजल्स और हेड टॉप जो है वो इसका बिल्कुल ठीक है। और यहाँ टॉप पे ही एक छोटा सा स्पीकर भी आपको दिया गया है। मज़ीद अगर ओवरव्यू लें तो इस तरफ हम आते हैं तो ये हमें वॉल्यूम बटन्स मिल जाते हैं, पावर बटन मिल जाता है, नीचे की तरफ हमें 3.5 mm ऑडियो जैक, माइक मिलता है, माइक्रो यूएसबी की पोर्ट मिलती है फ़ोन को डेफिनेटली चार्ज करने के लिए, और ये एक स्पीकर ग्रिल भी आपको दिया गया है। इस तरफ हम आते हैं तो ये हमें सिम ट्रे मिलती है, ख्याल है डेडिकेटेड ही होगी। जी हाँ, डेडिकेटेड सिम ट्रे है, यानी दो सिम के साथ साथ आप यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। और कोई नॉइस कैंसिलेशन के लिए हमें यहाँ पे माइक नज़र नहीं आता। कैमराज मैंने आपको और फिंगरप्रिंट सेंसर के हवाले से मैंने आपको डिटेल बता दी है। दोस्तों ये है हमारे पास टेक्नो स्पार्क 5 प्रो, 4 GB 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला ये वेरियंट है, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं चिपसेट की, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मीडिया टेक हीलियो A22 का चिपसेट है जो कि 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है, और पावर VR GE8320 का GPU हमें इस फोन में ऑफर कर रहा है टेक्नो। अब बात करें बैटरी की, तो 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी आपको मिल रही है, जो नो डाउट एक अच्छा बैकअप आपको देगी, आप आराम से इसको चलाएंगे, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम बैटरी साइड पर नहीं आएगी। दोस्तों ये एक ओवरऑल अनबॉक्सिंग वीडियो टेक्नो स्पार्क 5 प्रो की, मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस फ़ोन की कोई और वीडियो अगर आप देखना चाहें तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर आप पूछना चाहें कोई बात तो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको इसका जवाब दूंगा। जाते जाते इस फ़ोन के कैमराज के फ्रंट और बैक कैमराज के सैम्पल्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इसके कैमराज किस तरह परफॉर्म करते हैं। जी दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो टेक्नो स्पार्क 5 प्रो की। पर्सनली मुझे डिवाइस काफ़ी अच्छी लगी है और जाहिर है इसकी प्राइस के अतबार से मुझे ये काफ़ी बेहतर लगी है। इसका जो UI है उसमें थोड़े कहीं ना कहीं एड्स हैं, ये थोड़ा सा एक मसला है, लेकिन इस एड्स को आप डिसेबल भी कर सकते हैं, उसका मैं तरीका फिर मैं आपको किसी वीडियो में आपसे शेयर कर लूंगा। अगर आप लोग जानना चाहें तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और इसका अगर आप रिव्यू देखना चाहें तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, तो मैं इसकी रिव्यू की वीडियो भी आप लोगों के लिए ले आऊंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन दबा के ऑल का जो बटन होता है उसे जरूर टैप कीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोज में अपलोड करूं डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।